शो मी योर स्नैपचैट ये वाली रील बहुत वायरल हो रही है, ठीक है। आपको ऐसी एडिटिंग करना बताऊंगा बहुत आम भाषा में, ठीक है। कोई भी ऐप यूज़ करना, काइन मास्टर करना, जो भी आप कर सकते हो करना, मैं काइन मास्टर में करके बताऊंगा क्योंकि सब मैक्सिमम लोग काइन मास्टर यूज़ करते हैं, इजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई भी एडिटिंग ऐप ले लेना, सिंपल आपको करके दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम में जाना है, ठीक है, और सर्च करना है शो मी और स्नैपचैट, ठीक है, और क्लिक कर देना है, ठीक है। साइड में चल रहा होगा आपके, ऐसे क्लिक करना है, बहुत सारे रील्स आ जाएंगी। अब आपको उनका एक स्क्रीनशॉट लेना है, एक रील का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और जो लास्ट में वीडियो है, ठीक है, जो वीडियो का ये वाला पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा, वो आप मुझसे टेलीग्राम पे ले सकते हो या इंस्टाग्राम पे ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, या आप किसी की भी रील डाउनलोड करके, ठीक है, उसको वो पार्ट काट लेना और आपकी सिर्फ एक फ़ोटो चाहिए ऐसे वाली कोई भी स्टाइल में फ़ोटो खींच लेना, ठीक है। उसको सिर्फ जोड़ना है हमें, ठीक है, वो बताता हूँ कैसे जोड़ना है। और एक इफेक्ट लगाना है जूम आउट का, ठीक है, और गाना लगा के रील्स पे पेल देना है, ठीक है, आपकी रील्स बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पूरा प्रोसेस देखना, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आना है हमें, ठीक है। इंस्टाग्राम आने के बाद आपको सर्च करना है शो मी और स्नैपचैट, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे रील्स आ जाएगी किसी की भी, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो, नीचे साउंड पे जाना है हमें। साउंड पे जाने के बाद आपको किसी भी रील्स पे चले जाना है जो ट्रेंडिंग रील्स हो, ठीक है। अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और हमें ये लास्ट वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चल रहा है आपके सामने, ठीक है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ये मैंने आपको दे भी दूंगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हमें ये पार्ट चाहिए। स्क्रीनशॉट क्यों लिया है इसका प्रोसेस बताऊंगा। अब चलते हैं हम डायरेक्टली काइन मास्टर में, ठीक है। कोई भी आप एडिटिंग ऐप यूज़ कर सकते हो, मैं चल रहा हूँ सिम, क्योंकि ये मैक्सिमम काइन मास्टर लोग यूज़ करते हैं, मेरे पास सारी एप्लीकेशन है। अब हम जाएंगे क्योंकि हमें रील्स पे वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। अभी हमें क्रिएट न्यू पे जाना है, क्रिएट न्यू पे जैसे हम जाएंगे 9:16 का रेशो सेलेक्ट करेंगे, अब क्रिएट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट पे जाके अब दिखाता हूँ मैं, जो मैंने अपनी एक फ़ोटो ली थी, ठीक है, उसको मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाले रील्स सिंपली ये फ़ोटो लेंगे, मैं अपनी फ़ोटो ले लूँगा, आप अपनी कोई भी फेवरेट फ़ोटो ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जाना है लेयर्स पे, ठीक है। आप तो अगर काइन मास्टर यूज़ करते हो पता ही है, ठीक है। मैं मीडिया फाइल में जाना है और, ठीक है, ध्यान से देखो स्क्रीनशॉट लेना बोला। अब स्क्रीनशॉट क्यों लिया मैंने, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखा हुआ है यहाँ से क्रॉप कर देंगे, ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। अब यहाँ पे क्रॉप कर देंगे इस फोटो को सेलेक्ट करके, क्रॉप हमें सिर्फ जो लिखा हुआ है वो लेना है हमने, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, स्मार्ट वर्क करना है बॉस, हमें स्मार्ट वर्क, मेहनत नहीं करनी, ठीक है। और ये लिखा हुआ देखो, एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है इसमें एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, कुछ पता नहीं चला, ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपली। तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे जहाँ कर सकते हैं, जहाँ करना है आपको, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ कर देता हूँ, आप अच्छी तरह ध्यान से वीडियो बना लेना, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे 3-4 सेकंड रहने देंगे, ठीक है, तीन या और छोटी कर लेंगे जैसे आपको ठीक लगे, 3 सेकंड रहने देंगे, 4 सेकंड भी रहने देते हैं क्योंकि जूम भी करेंगे हम इसमें, ठीक है, रहने दिया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, दोबारा मीडिया में जाएंगे और जो लास्ट वाली वीडियो दिखाई थी जिसकी हमें जरूरत है वो मेरे पास है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाली वीडियो थी, मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, राइट, ये वाली वीडियो है ना। तो ऐसे आप सिंपली हमारी मैक्सिमम 80% वीडियो बन चुकी है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे बीच में क्लिक करना है, इसके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो जिनका स्टोर है, सिंपली मैंने किया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बीच में क्लिक करके अब जूम, ग्लिच जूम पे जाऊंगा, जूम आउट करना है, बहुत सारे इफेक्ट मैं करके देखूंगा, ठीक है। ये देखो, या दिस गुड, और ट्राई कर लेंगे, ए वेट, या ठीक है, बट ये जूम इन है, मुझे जूम आउट चाहिए, ठीक है, यस, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको सिंपली ऐसे कर लेंगे और अब ये सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो, अभी गाना चलेगा उसके बाद ये इफेक्ट आ जाएगा और उसके बाद ये सारा कुछ चलने लग जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इफेक्ट यूज़ कर सकते हो और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, सेव कर लेना है और फिल्टर पे, आप फोटो में फिल्टर लगा सकते हो। आप सेव करके यहाँ पे वीडियो, ये भाई बन चुकी है, ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं है वीडियो में, ठीक है। अब इसको आपको इंस्टाग्राम रील्स पे उसी साउंड पे पोस्ट करने में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, हमारी वीडियो कैसी बनी है कैसे नहीं है, ठीक है, वेट करो। इंस्टाग्राम पे चलते हैं सिंपली, ठीक है, उसके बाद इसी साउंड पे हमें जाना है, यूज़ साउंड करेंगे, ठीक है, और ये मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, गैलरी में वीडियो है हमारी, ठीक है, इसको पोस्ट करेंगे, ये हमारी वीडियो आ चुकी है, ठीक है, ये रही वीडियो, एंड दैट्स इट, ठीक है। अभी ये देखो वीडियो आ गई भाई, देखो मस्त ज़बरदस्त, ऊपर मैसेज भी आ गया किसी का। तो आप ऐसे सिंपली वीडियो बना सकते हो और इसमें इफेक्ट वेफेक्ट भी अपनी मर्जी से लगा सकते हो, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त, जो आपको ठीक लगे, ठीक है।
भाई लव तुम्हारी वीडियो रेडी है, इसको पोस्ट करो। आई होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा बहुत कम समय में बहुत आम भाषा में कि आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो। आई होप सो लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही करते रहो यार, मजा आएगा मुझे वीडियो बनाने में, आपको नॉलेज देने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इकट्ठा करने में चीज़। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।